स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर को. तो एनालॉग कंप्यूट का अगर हम सिर्फ वर्ड देखें तो इसका मतलब है मेयर करना, एवेल्युएट करना, कैलकुलेट करना. यानी कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मुराद ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि असल में मेयरमेंट और कैलकुलेशन करती हैं. अगर हम एनालॉग की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर जो है ये उन क्वांटिटीज़ को मेयर करता है जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं, वेरी हो रही होती हैं. यानी कि वो क्वांटिटीज़ जिनमें तब्दीली जो है वो मुसलसल आ रही है, या तो वो मुसलसल कम हो रही हैं या मुसलसल उनकी वैल्यू बढ़ रही है. यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मेयर 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 कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज. तो जैसे कि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है ये मुसलसल तब्दील होता रहता है, तो इस तरह से टेम्परेचर एक कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटी है. तो थर्मामीटर उसको मेयर करेगा, तो थर्मामीटर जो है एक एनालॉग कंप्यूटर है. और इस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे हम जो एग्जांपल्स बता रहे हैं लिख लेते हैं कि एक तो टेम्परेचर है हमारे पास, टेम्परेचर, और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम भी मुसलसल तब्दील होता रहता है. तो इस तरह से टाइम भी एक एनालॉग क्वांटिटी है. अगर हम और टाइम के की मेयरमेंट के लिए जो हम वॉच यूज़ करते हैं, एनालॉग वॉच जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक एनालॉग वॉच है जो टाइम की मेयरमेंट देगी. आप जानते हैं कि इस पे इसके जो आर्म होते हैं ये मुसलसल मूव करते रहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूसली ये मेयर करते रहते हैं टाइम को, और टाइम कंटिन्यूसली पास आउट होता रहता है, यानी कि गुजरता रहता है. इसी तरह से अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, जिसको हम शॉर्टली ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी मेयरमेंट के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं. शॉर्टली हम इसको सी आर ओ कहते हैं, सी आर ओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. तो इस तरह से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यहाँ पे वेव फॉर्म दे रही है कंटिन्यूसली वेयरिंग ए सी की, तो जिसको हम मेयर कर सकते हैं इसी डिवाइस की मदद से. तो इस तरह से जो सी आर ओ है ये एक एनालॉग कंप्यूटर है. अब एनालॉग कंप्यूटर्स को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अभी तक जो हमने एनालॉग कंप्यूटर डिस्कस किए हैं ये बड़े सिंपल से कंप्यूटर हैं, यानी कि क्वांटिटीज़ को जस्ट मेयर करके देते हैं नंबर्स की फॉर्म में. और इसके अलावा भी मज़ीद अगर कॉम्प्लिकेटेड एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करें तो वो भी मोस्टली सिर्फ नंबर की फॉर्म में, नंबर्स जो हैं वो ही रिप्रजेंट करते हैं मेयरमेंट्स के. तो अच्छा, हम इनके इस्तेमाल की बात कर रहे थे, तो इनको जैसे कि आपने देखा कि क्वांटिटीज़ की मेयरमेंट जिसको हम मॉनिटरिंग कहते हैं, तो मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मॉनिटरिंग यानी कि किसी भी प्रोसेस के दौरान क्वांटिटीज़ के चेंज होने को मॉनिटर किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर की मॉनिटरिंग की जाती है. और इसी तरह से फिर इनको कंट्रोलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का जो है वो वैल्यू फिक्स करते हुए ये कंट्रोल रखते हैं उस वैल्यू पे कि वो मज़ीद तब्दील ना हो. तो इसलिए कंट्रोलिंग के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ साथ इनको सिमुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. तो सिमुलेशन से मुराद असल में एक ऐसा मॉडल बनाना, कंप्यूटेशनल मॉडल, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोसेस को समझ सकते हों कि वो प्रोसेस किस तरह से हो रहा है. तो एनालॉग कंप्यूटर्स को फिर सिमुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और ये इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे आते हैं? मोस्टली ये इस्तेमालात जो है वो कंटिन्यूसली वेरिंग प्रोसेस जो कि इंडस्ट्री में होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इन इंडस्ट्री, और कुछ हम इसको डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गाड़ी का एनालॉग स्पीडोमीटर, यानी कि वो स्पीडोमीटर जिसके ऊपर जो है वो आर्म लगा होता है, नीडल लगी होती है जो मूव करती है स्केल पर, तो वो एक एनालॉग कंप्यूटर ही है. तो इस तरह से डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं, मोस्टली इसको इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं इन एनालॉग कंप्यूटर्स को. और इसके साथ साथ हम इनको साइंटिफिक रिसर्च के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च. तो ये इनके इस्तेमाल हैं. अब ये किसी भी क्वांटिटी को, क्योंकि ये मोस्टली क्वांटिटीज़ को सिर्फ मेयर करके ही देते हैं, तो ये कितनी एक्यूरेटली मेयर करके देंगे, यानी कि अगर हम इनकी एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी, तो इनकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है इनकी प्रसीजन पे.
यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक्यूरेसी जो है ये प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। अब प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद है? प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट तो प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद है? इसको मैं आपको एक मिसाल से इस तरह से समझा सकता हूँ कि जैसे कि हमारे पास 2 मीटर रूलर हैं, एक ये मीटर रूलर है, ये यहाँ से यहाँ तक छोटी, यानी कि इसकी जो सबसे छोटी मेजरमेंट है, सबसे छोटे जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, जो मार्क्स लगे हुए हैं, उन वो ये हैं। तो ये जो मार्क्स हैं ये 1 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट दे रहे हैं, यानी कि हम छोटी से छोटी मेजरमेंट जो इस मीटर रूलर की मदद से ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर तक की ले सकते हैं। तो ये हमारे पास वन है, वन रूलर है। और दूसरा रूलर जो है उस पे अगर हम देखें, दूसरा रूलर, उस पे हमारे पास सेकंड, इस पे जो हमारे पास छोटे से छोटे मार्क्स लगे हुए हैं वो ये स्टार्टिंग है, और इसके बाद अगला जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, यानी कि मेजरमेंट है, वो 1 मिलीमीटर तक की है। तो हम जानते हैं 1 मिलीमीटर जो है वो छोटा है 1 सेंटीमीटर से। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड रूलर है ये ज़्यादा जो है वो छोटे लेवल पर जाके मेजरमेंट दे रहा है, यानी कि ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट दे रहा है वन रूलर की निस्बत। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स एनालॉग कंप्यूटर्स। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल वर्ड से जाहिर है कि यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में डाटा जो है हमें डायरेक्टली नज़र आता है, डिजिट्स की फॉर्म में। और इसके साथ साथ ये कंप्यूटर प्रोसेस भी उनको डिजिट्स की फॉर्म में ही करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिट्स की फॉर्म में प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस जो करते हैं, प्रोसेस और यहाँ पे मतलब है डेटा को, यानी कि मेजरमेंट्स को, यानी कि क्वांटिटीज को प्रोसेस करना। प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। और डिजिट्स मोस्टली जो यूज करते हैं ये वाले कंप्यूटर्स, वो बाइनरी डिजिट्स होते हैं। बाइनरी डिजिट से क्या मुराद है? 0 और 1, यानी कि सिर्फ 2 डिजिट्स 0 और 1 की फॉर्म में ये प्रोसेस कर रहे होते हैं उस डेटा को। तो इस तरह से ये डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करते हैं, यानी कि डेटा जो है वो इनके अंदर सिर्फ 0 1 की फॉर्म में होगा, या 1/2 नहीं होगा और 1/3 नहीं होगा, यानी कि स्पेसिफिक नंबर्स ही जस्ट जो हैं वो ये यूज़ करेंगे, जिनके दरमियान में जो इंटरवल होगा, इंटरवल से मुराद के फ़र्क, वो भी स्पेसिफिक ही रहेगा। यानी कि अगर हम आम तौर पर बात करें कि हमें कोई भी कंप्यूटर जो है वैल्यू दे रहा है, तो वो 0 से 1 तक की देगा, फिर उसके बाद 2 तक की देगा। वो उनके अपने इंटरनल प्रोसेस जो है वो इन बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में ही होगा, लेकिन डाटा हमें जो है वो मुख्तलिफ नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, 0 1 2 इसी तरह से, फिर 3 होगा, या फिर ये है कि 0 से 0 के बाद 0.5 होगा, और इसके बाद फिर 1 होगा, फिर 1.5 होगा। तो इस तरह से रेगुलर इंटरवल्स में, डिस्क्रीट फॉर्म में, स्पेसिफिक नंबर्स में वो डाटा हमें शो करेगा, मुसलसल तब्दील होते हुए नहीं दिखाएगा। जैसे कि हमने एनालॉग वॉच में देखा कि वहां पे मुसलसल आर्म मूव करती जा रही है। लेकिन अगर हम डिजिटल वॉच की बात करें, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसमें सेकंड, 1 सेकंड के बाद जब अगला सेकंड, यानी कि सेकंड गुजर जाएगा तो अगला सेकंड अपीयर होगा, दरमियान में हमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा, यानी कि ये डिस्क्रीट फॉर्म में, रेगुलर फॉर्म में हमें रिजल्ट देगी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक छोटा सा डिजिटल कंप्यूटर है। हम डिजिटल कंप्यूटर्स की मदद से ना सिर्फ क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं, बल्कि उनको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयर, और इसके साथ साथ हम उनको रीअरेंज भी कर सकते हैं, रीअरेंज, और उसके साथ साथ हम उनको उन पे ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ऑपरेशन से मुराद अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिक ऑपरेशन, ऑपरेशंस। और लॉजिक ऑपरेशन से मुराद के उनको देखना कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, और अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो इस तरह से
डिजिटल कंप्यूटर्स ये काम भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वो उनको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं दूसरी फॉर्म में। दूसरी फॉर्म से मुराद ये है कि करेक्टर्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं करेक्टर्स में, या नंबर्स में, या सिंबल्स में। तो इस तरह से, और इसके साथ साथ इनके साथ मेमोरी डिवाइसेस लगी होती हैं, तो ये स्टोर भी कर सकते हैं उस डेटा को स्टोर। यानी कि ये मल्टीपर्पजेज होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो इनकी इन खसूसियात की बेस पर गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर जो है इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, बिजनेस सेक्टर्स। और इसके साथ साथ इनको इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में इनको मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए, के कंट्रोल के लिए, मुख्तलिफ प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं, ये उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की बेस पर जिनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं वो काम करते हैं और कंट्रोल करते हैं प्रोसेसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे के। और कोई इंसान जो है वो किसी इंसान की इनको ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे। और ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स को हम ऑटोमेट कहते हैं, इनके ये ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं, ऑटोमेट। और इनकी इसी खसूसियत की बिना पर इनको अब हाई परफॉर्मेंस हो, और हाई परफॉर्मेंस होने की बिना पर इनको एयरक्राफ्ट यानी कि जहाज़ों को चलाने के लिए भी, यानी कि पायलट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी कि ये पायलट के तौर पर काम करते हैं। और इसके साथ साथ अब ये स्पेस क्राफ्ट को भी कंट्रोल करने और पायलट करने का काम करते हैं। यानी कि स्पेस में जाने वाला जहाज़ या स्पेस में जाने वाला जाली वाली शटल। तो इस तरह से, और इसके साथ साथ सैटेलाइट्स को भी जो है ये हैंडल करते हैं। तो इस तरह से डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। तो स्टूडेंट्स, ये हैं एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स।